जी, मेरा नाम स्वप्निल प्रकाश बोरकर, एक छोटा सा आर्टिस्ट और स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। और मेरी जो मदर टंग है प्रॉपर मैं मराठी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने मराठी फिल्में की है, सीरियल की है, और थिएटर अभी हिंदी और उर्दू कर रहा हूँ। तो ये बहुत एक मेरा 10वां 12वां थिएटर है, रश्मि रथी। रश्मि रथी पहले से करने की मेरी बहुत इच्छा थी। मेरे जो गुरु है मुजीब खान सर, वो मुझे हमेशा बोल रहे थे रश्मि रथी के बारे, हमें रश्मि रथी करना है, तुम्हें श्री कृष्ण का कैरेक्टर प्ले करना है, तुम लग जाओ, तुम स्क्रिप्ट पढ़ो, तुम श्री कृष्ण का कैरेक्टर पढ़ो, देखो कैसे क्या। तो वो देख रहा था, और जब रश्मि रथी मैंने नाटक पढ़ा तो जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, और हिंदी में भी दो प्रकार है, एक जो हिंदी चलती है भारत में, एक उर्दू मिश्रित हिंदी चलती है, और दूसरी जो हिंदी चलती है वो संस्कृत मिश्रित हिंदी चलती है। 95% उर्दू ही बोली जाती है, ओनली 5% हिंदी। हिंदी बहुत कठिन लैंग्वेज है, जी जी, शायद दुनिया की सबसे कठिन लैंग्वेज में हिंदी और संस्कृत। जी 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 जी, जहाँ तक मेरी नॉलेज। और मेरी बहुत मैं बहुत चाहता हूँ हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं है, हर क्षण हिंदी लैंग्वेज एक उसकी संस्कृति की अनुभूति देती रहती है। जब जब भी हम हिंदी शब्द उच्चारण करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में कोई मुहावरा कहते हैं, तो एक उसका संस्कृति दर्शन होता है। और रश्मि रथी इतने राष्ट्र कवि दिनकर जी का इतना बड़ा काव्य महाकाव्य है वो, उसके इसमें मुझे श्री कृष्ण का कैरेक्टर अदा करने का मौका मिला। बहुत कठिनाई तो गई इतना सारा याद करना, और एक पोइट्रिक फॉर्म में है, पोइट्रिक फॉर्म में याद करके पोइट्रिक फॉर्म में बोल के भी उसको संवादात्मक हिसाब से लाना पड़ता है, संवादात्मक रूप से लाना पड़ता है। तो हमारे डायरेक्टर ने अच्छी मेहनत करके दी। लाइव परफॉर्म करना बहुत कठिन होता है, कि कहीं हल्का सा मिस नहीं हो जी गया। जी जी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी जी। और बहुत कम वक्त में आपने ये किया, तो कहाँ से क्या क्या सोच रहे थे, कैसे करना है, क्या करना है? और ये जो आप किरदार निभा रहे थे बहुत कठिन था, बहुत हैवी किरदार था, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक बात यह है कि बेसिकली मैं म्यूजिशियन हूँ, बेसिकली म्यूजिशियन हूँ, क्लासिकल गाता हूँ, सब इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। तब पोइट्री मुझे पता थी, पोइट्री का एक रिदम, पोइट्री का एक सुर, तो पोइट्री का रिदम सुर वो एक लालित्य जो रहता है, उसका एक छंद रहता है, वो मुझे पता था। और वो पता था तो उसके वजह से मेरा याद थोड़ा जल्दी हो जाता था, तो वो एक रिदम में जब याद करते थे इसलिए थोड़ा जल्दी याद होगा, तभी भी चुप तो जाता ही है, कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन खो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ही करनी पड़ी। लेकिन बहुत मज़ा आया, और मैं तो मराठी बैकग्राउंड से है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिली हिंदी, हिंदी के अलग अलग शब्द, हिंदी के जो किसी काव्य में भी दिखते नहीं हैं, जो इसमें दिखे थे, तो काफ़ी सारे शब्दों का परिचय हुआ। चलते चलते, और इसके अलावा कुछ आप बोल रहे हैं, जैसे कि मैं एक्टिंग करता हूँ, सीखता हूँ, इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट? जी, इसके अलावा मैं एक नाटक करता हूँ जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी, जिसमें मैं महात्मा गांधी की भूमिका करता हूँ। और इसके अलावा और एक उर्दू प्ले मैं करता हूँ अमीर खुसरो जी का। अमीर खुसरो जी भारतीय संगीत में कितना बड़ा उनका नाम है, जिन्होंने तबला ईजाद किया है, सतार ईजाद किया है, कई क्लासिकल राग जिन्होंने बनाए हैं, उनका मैं खुद कैरेक्टर करता हूँ। और रश्मि रथी का एक खिला कर रहा हूँ। इसके बावजूद मैं मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ कहानियाँ करता हूँ, जिसमें एक इल्ज़ाम कर की कहानी है, उसमें मैं मन्नू मेहतर का रोल करता हूँ। और भी कुछ एक इस्मत मंटो या ये कहानी है, वो भी करता हूँ। काफ़ी सारे अलग अलग प्ले करता हूँ, विवेकानंद जी का भी प्ले करता हूँ। और उसके बावजूद अभी एक मराठी फिल्म करने जा रहा हूँ, एक हिंदी वेब सीरीज़ करने जा रहा हूँ, और काफ़ी सारे। और हाल ही में मैंने मेरा एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है, अस्मिता फिल्म्स एंड टेलीविज़न, उसके द्वारे कई सारे अब प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे जैसे जो कुछ स्टूडेंट है, अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, 30% हमने एक ऐसा ब्लॉक उसमें रखा है कि 30% हर वीक में नया इंसान को हम चांस देंगे, चाहे एक्टिंग में बोलो, एडिटिंग में बोलो, डायरेक्शन में बोलो। ये सारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन के जरिए करने हैं। आपके सबके आशीर्वाद चाहिए, शुभकामनाएं चाहिए, बस यही चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।